वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में और आपके साथ मैं हूं तनु। रामनवमी के मौके पर रविवार को मध्य प्रदेश से लेकर बंगाल तक देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में ये घटनाएं हुई हैं। रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा या जुलूस निकाले जाने के दौरान ये सारी घटनाएं हुई हैं। आपको बता दें कि खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने गली से पथराव कर दिया और पेट्रोल बम भी फेंके गए। इसके बाद दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। इस घटना के बाद शहर के अलग अलग 3 से 4 इलाकों में पथराव की घटनाएं हुई हैं। खरगोन के तालाब चौक, गौशाला मार्ग, मोतीपुरा जमकर पथराव हुआ। इस घटना के दौरान 3 से 4 घरों में आग भी लग गई। घटना की सूचना के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रभावित इलाके में तालाब चौक, मोतीपुरा, गौशाला मार्ग और टावर क्षेत्र में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। घटना में पुलिसकर्मी समेत 3 से 4 लोगों के घायल होने की भी सूचना है। आपको बता दें कि इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस की गाड़ियां इलाके में लगातार घूम रही है और लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है। हालात देखते हुए प्रशासन ने पड़ोसी जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुला लिया है। शांति कायम करने के लिए शहर के कुछ चिन्हित इलाकों में कर्फ्यू तक लगा दिया गया है। इधर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि बुलडोजर मामा के राज में इतनी हिमाकत, एक एक पत्थर का हिसाब होगा, आगजनी की वसूली भी होगी। आपको बता दें कि राजस्थान के करौली में भी जुलूस के दौरान अल्पसंख्यक इलाके से निकलते समय छतों से पथराव कर दिया गया था, जिसके बाद लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया था। असामाजिक तत्वों ने घरों और दुकानों में भी आगजननी कर दी थी। इधर मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, राजस्थान, झारखंड के शहरों में भी रामनवमी पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश के खरगोन में रविवार को दो पक्षों में विवाद, पथराव और आगजनी की घटना के बाद आज कलेक्टर अनुग्रह पी ने पूरे खरगोन शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। इस दौरान सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी होने पर ही घर से बाहर निकलने की हिदायत दी गई है। शहर आज पूर्णतः बंद रहेगा। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।